खरगोन जिले में महेश्वर नगर परिषद अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग को लेकर परिषद के पार्षद कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पार्षद विक्रम पटेल ने मीडिया से बातचीत में खुलासा किया कि परिषद की अध्यक्ष अमिता जैन द्वारा शासन के नियमों को ताक में रखकर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है एवं जन कल्याणकारी योजनाओं में धांधली की जा रही है, जिससे नगर परिषद की प्रगति थम गई है, जिसे लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने के उद्देश्य को लेकर शिकायत कर रहे मीडिया से रूबरू हुए सामूहिक रूप से भाजपा कांग्रेस के पार्षदों ने यह भी बताया कि अगर अमिता जैन को अध्यक्ष पद से नहीं हटाया गया तो जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। नगर परिषद महेश्वर में 2.5 वर्ष पूर्ण होने को है। इन 2.5 वर्षों में नगर परिषद महेश्वर के अध्यक्ष के द्वारा कुछ भी विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं। चारों ओर सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आवास योजना, नामांतरण, निर्माण, रोड, सड़क जैसे अनेक काम जो जनता से जुड़े हुए हैं वो सारे काम नहीं हो रहे हैं। पार्षद बार बार अध्यक्ष से निवेदन करते हैं कि भैया जनता के काम करो, जनता के काम करो, पर अध्यक्ष कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। हम बार बार अधिकारियों को SDM कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, DD कार्यालय हमने बार बार शिकायत करी, पर कुछ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। इससे आहत होकर हम नगर के 14 पार्षद यहाँ कलेक्टर कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव जताते हुए अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए आए हुए हैं। पार्षद कितने हैं? हम 14 पार्षद हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। बीजेपी कितने? बीजेपी के 5 हैं और कांग्रेस के 9 हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नगर महेश्वर को बचाने के लिए हम महेश्वर के विकास के लिए यहां पर आए हुए हैं। कलेक्टर ने टाइम भी दिया था, मिलने कलेक्टर साहब ने हमको 11 बजे का समय दिया था, पर अभी तक वो हमसे मिले नहीं हैं। हमारे साथ महिलाएं पार्षद भी हैं जो कि भूखे प्यासे बच्चे आए हुए हैं, जो कि परेशान हो रहे हैं, पर अभी तक उन्होंने हमको समय नहीं दिया है। राजनीति के चलते वो भी मिलना नहीं चाहते थे। हो सकता है, हमें पूरा अंदेशा है कि ऐसा हो सकता है। क्या लगता है कौन मंत्री है? अब ये तो अभी स्पष्ट होगा, ये अभी कुछ नहीं कह सकते। किसको आवेदन किसको दिया, क्या दिया? अभी हमने आवेदन आवक जावक में दिया है और कलेक्टर साहब ने हमको रुकने का कहा है, तो हम रुकेंगे। यदि हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम आगे की ओर जाएंगे, जनता के साथ रोडों पे उतरेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अंतर्राष्ट्रीय